22 जनवरी के दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस प्राण प्रतिष्ठा और उस भव्य मंदिर को भव्यता से सजाने के लिए, उसकी भव्यता में और चार चांद लगाने के लिए पूरे देश से जो गिफ्ट आ रहे हैं वो लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं। मैं इस वक्त एक घंटे के पास खड़ा हूँ जो कि मेरी हाइट के बराबर का है। आप समझिए कि मेरी जो लंबाई है उससे भी 2 इंच यह बड़ा ही होगा और मेरे जैसे इसमें करीब 30 व्यक्तियों का वजन है। इसका वजन मैं आपको बताऊं कि 24 कुंतल यानी 2400 केजी का ये घंटा है मनों के हिसाब से, और टनों में इसकी बात हो रही है। बस मतलब अगर टनों में बात करें तो थोड़ा सा कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन 2400 किलो का ये घंटा बेहद अद्भुत है। ये जलेश्वर इटावा से आया हुआ है, एटा से, जलेश्वर एटा से आया हुआ है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं लूंगा। अच्छा ये बताइए कि कौन दे करके गया है इस घंटे को और ये कहाँ लगने वाला है? ये जलेश्वर नगर पंचायत एटा जिला उत्तर प्रदेश स्वर्गीय विकास मित्तल के स्मृति में आया है और ये अष्टधातु का बना है, कहीं ना जोड़ है ना कहीं बिल्डिंग है, और 7 फुट लंबाई और 5 फुट की गहराई में है। और ये भगवान राम के मंदिर के मुख्य द्वार पर जब बाहर लगेगा और ये जब बजेगा तो इसकी धुन चारों तरफ इतनी दूर तक जाएगी कि सब राममय हो जाएंगे, राम राम कहेंगे। और जो राम को विरोध करते हैं, जो विरोधी दल के नेता लोग हैं, वो भी सुख सारंग और कालनेमी की तरह राम राम चिल्लाएंगे, जय श्री राम। अच्छा इसके अलावा कुछ जो अंदर मंदिर में घंटे लगने वो भी घंटे आए हुए हैं? वो घंटे इन्होंने ही दिया है, जलेश्वर नगर पंचायत एटा जिला स्वर्गीय विकास मित्र की स्मृति में 51 किलो के 7 घंटे आए हैं जो अंदर रखे हैं, जो वो मंदिर के अंदर लगेंगे। अच्छा आइए दिखाइए, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, वो जो घंटे हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। मतलब सारा जो गिफ्ट का आइटम है वो सारा एक तरह से यहाँ पर रखा गया है। और आइए मैं आपको दिखाऊं, ये कपिल गुप्ता जी के विकास मित्तल की जी की तरफ से ये दिए गए हैं। ये आप देखिए, ये बड़े बड़े घंटे कितने कितने वजन के हैं? ये 51 किलो के हैं, 7 घंटे 51 किलो के 7 घंटे हैं। अच्छा 51 किलो के 7 घंटे आए हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर लगेंगे और वहां पर ये शोभायमान होंगे। वहां पर इनको जो भी भक्त आने वाले होंगे वो अपने हाथ के स्पर्श से इनको ध्वनि से गुंजित कर सकेंगे और इनकी ध्वनि पूरे अयोध्या में गुंजमान होगी। और ये घंटे का तो आप समझते हैं कि घंटा हमारे स्वास्थ्य से लेकर के हमारी आत्मा तक को शुद्ध करने और अष्ट धातु के बने हुए, इनकी कीमत तो अनमोल है। क्यों? क्योंकि ये भगवान श्री राम के मंदिर में इनको स्थान मिलने वाला है। लाल कार सेवकपुरम से कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।